चाणक्य ने कहा था कि इंसान को बहुत ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाके देखें तो सीधे पेड़ पहले ही काट दिए जाते हैं, परंतु टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। आज की हमारी वीडियो चाणक्य के इसी श्लोक पर आधारित है कि क्या हमें सीधा होना चाहिए या फिर एकदम प्रैक्टिकल। इस वीडियो में हम रॉबर्ट ग्लोवर की बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाइज अ प्रूवन प्लान फॉर व्हाट यू वांट इन लव सेक्स एंड लाइफ से इनके थॉट्स को देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप सभी देख रहे हैं फिन अजय। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। अक्सर हम इस दुनिया में देखते हैं कि मिस्टर नाइस गाइज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और ना ही उन्हें इतनी प्रायोरिटीज़ मिलती है। अब हमें लगेगा कि मिस्टर नाइस होना बुरी बात है। ऑथर के मुताबिक हाँ, ये बुरी बात है। ऑथर के मुताबिक नाइस गाइस यह सोचते हैं कि अगर वो अच्छे रहेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, तो ज़रूरत पड़ने पर लोग उनकी हेल्प करेंगे और उनकी लाइफ परफेक्ट रहेगी। ऑथर के मुताबिक नाइस गाइस वाकई में अच्छे नहीं होते। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों, तो चलिए देखते हैं नाइस गाइस अपनी कैसी इमेज शो करते हैं। दे प्रिटेंड दे आर केयर टेकर्स, ये लोगों को दिखाते हैं कि ये अच्छे केयर टेकर्स हैं। ये लोगों की हमेशा मदद करने लगते हैं, भले ही लोगों को उनकी मदद की ज़रूरत ना हो। दे वॉन्ट्स अदर अप्रूवल, नाइस गाइस कोई भी काम तब करेंगे जब उनके काम से दूसरों को खुशी मिलेगी। अगर कोई उनके काम से ना खुश है तो उस काम को अटेम्प्ट भी नहीं करते। दे हाइड देयर मिस्टेक्स, नाइस गाइस अपनी गलतियों को छिपाते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। उन्हें यह डर होता है कि कहीं लोग उन्हें नापसंद ना करने लगे। दे हैव डिफिकल्टी टू मेकिंग देयर नीड्स अ प्रायोरिटी, नाइस गाइस को अपनी नीड्स को प्रायोरिटी बनाने में दिक्कत होती है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे तो लोग उन्हें मतलब ही समझेंगे, इसलिए वो औरों की ज़रूरतों को प्रायोरिटीज देते हैं। दे मेक देयर पार्टनर देयर इमोशनल सेंटर, नाइस गाइस सोचते हैं कि अगर उनका पार्टनर खुश रहेगा तभी वे खुश रहेंगी, इसलिए वो हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं जिससे उनके पार्टनर को खुशी मिले। हमारे मन में आएगा, अरे ये तो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, परंतु ऑथर कहते हैं कि जो लोग नाइस गाइस होते हैं वो असल में अंदर से बहुत चालाक और मतलबी होते हैं। नंबर वन, ये डिसऑनेस्ट होते हैं। ये लोग दूसरों की गलतियों को छिपाते हैं और वही बोलते हैं जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, बिल्कुल चापलूसों की तरह। नंबर टू, ये लोग सीक्रेटिव होते हैं। ये लोगों को खुश रखने के लिए उनसे महत्वपूर्ण बातें भी छिपा सकते हैं। नंबर थ्री, दे आर मैनिपुलेटिव, नाइस गाइस अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटीज नहीं देते, इसलिए अपने इंपॉर्टेंट काम को दूसरों को बोलने में घबराते हैं, जिसके कारण वो अपने काम को करवाने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। नंबर फोर, गिव टू गेट, इनका काम एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना है। ये दिखाते जरूर हैं कि ये गिवर्स हैं, परंतु ये चाहते हैं कि लोग उनके काम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ करें, पर लोग जब ऐसा नहीं करते हैं तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इनका मूड ऑफ हो जाता है। नंबर फाइव, दे डोंट से नो, ये लोगों को ना नहीं कह पाते हैं, जिसके कारण ये लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते। नंबर सिक्स, दे आर फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड, नाइस गाइस चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी तारीफ करें, जिनके कारण लोगों को इनका दोस्त बनने में परेशानी होती है। अब हमारे मन में आएगा कि क्या हम कमीने बन जाएं, लोगों का फ़ायदा उठाएं? नहीं, ऑथर कहते हैं कि आप नाइस गाइस बनने के बजाय आप एक इंटीग्रेटेड मैन बन सकते हैं, जिसे लोगों के सामने परफेक्ट बनने का कोई भी शौक नहीं है। वो जैसा है ठीक है, वो जानता है कि वो एक ह्यूमन है और उसमें फ्लॉज है। वो जानता है कि उसे उसकी नीड्स को प्रायोरिटीज पर रखना है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लाइफ और उसकी फैमिली सफ़र करेंगी। हो सकता है कि इससे इसके साथ वाले नाराज हों, परंतु वो इसे एक्सेप्ट करता है। तो चलिए देखते हैं एक इंटीग्रेटेड मैन की क्या क्या क्वालिटीज़ हो। हैव हाई स्टैंडर्ड्स, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जो लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे होते हैं लोग उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इन सब को रोकने के लिए अपना एक हायर स्टैंडर्ड सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए कि आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हुए हैं, आपके किसी एक दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया और बाकी लोग आप पर हंस रहे हैं। कभी कभार तो ठीक है, परंतु अब जब भी आपका दोस्त आपसे मिलता है, आपका दोस्त हर बार आपका मजाक उड़ा रहा है, जिससे न केवल आपको बुरा लगता है बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी हानि पहुंचती है। अब आवश्यकता है कि आप उसे कुछ कहें और उसके खिलाफ कुछ एक्शन लें या फिर उन्हें छोड़ दें। तो मिस्टर नाइस होना बंद कीजिए और अपने लिए और दूसरों के व्यवहार के लिए अपना एक हायर स्टैंडर्ड सेट कीजिए। अगर कोई लड़की आपके इमोशन के साथ खेल रही है और आपके सम्मान को ठेस पहुंचा रही है, तो बेहतर होगा कि आप उसे लीव ऑन कर दें। स्पीक विथ कन्विक्शन,
कौन कैसा है यह हमें उसके बोलचाल से ही समझ में आता है। इसलिए जब भी हमें किसी से बात करनी है, अपना पक्ष रखना है, तो दृढ़ता से बात करनी चाहिए। कन्विक्शन के साथ बात करने से हम यह दर्शाते हैं कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। इसलिए जब आपसे कोई कुछ पूछे तो उससे इस तरह से बात करके उन्हें समझ में आए कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। स्टॉप एग्रीइंग सो मच। अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी को भी कभी ना नहीं कहते, तो ना कहना सीख लें, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई मूवी पसंद है और आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि वो इस मूवी को पसंद नहीं करता, तो उसे काउंटर करें और पूछें कि आगे क्यों तुझे ये मूवी पसंद नहीं आई है। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आपको सामने वाले की बात पसंद नहीं है तो उसे ज़रूर ना कहें। स्टॉप ट्रैकिंग योर गुड डीड्स। अपने अच्छे कर्मों को ट्रैक करना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यह नाइस गाइज के लिए निराशा का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है। नाइस गाइज किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, खासकर लड़कियों के लिए, और फिर उस काम को ट्रैक करते हैं। यह उनके सैकड़ों अच्छे कामों में से एक होता है। फिर अच्छे लोग चुपके से बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। लगता जरूर है कि ऐसा करने में क्या बुरा है। वास्तव में बुरा है, क्योंकि हमारे ये सोचना कि हर इंसान हमारी सोच के मुताबिक होगा, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। हर इंसान की सोच अलग अलग होती है और हर इंसान अच्छा भी नहीं होता। वैसे भी किसी की सहायता करके उससे वापस सहायता की उम्मीद करना सहायता नहीं है, बल्कि व्यापार करना है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी इन कर्मों को ट्रैक नहीं करती है। इसके बजाय ये लोग उम्मीद किए बिना ही अच्छे काम करते हैं। अच्छे कामों को ट्रैक करना नाइस गाइज के लिए कई समस्याओं का कारण होता है। जब नाइस गाइज को उनके अच्छे कामों के बदले कुछ नहीं मिलता, तो उनके अंदर गुस्सा भर जाता है, वे नकारात्मकता से भर जाते हैं। ऑथर ये नहीं कहते कि अच्छे काम करना छोड़ दो, उनका बस इतना कहना है कि काम करने के बाद लोगों से कोई उम्मीद मत रखो। वो कहते हैं ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डोंट होल्ड बैक। नाइस गाइज अपने मन की बात कहने से डरते हैं। वह समझते हैं कि उनके ऐसा करने से लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात, वे जो वास्तव में होते हैं उसे लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं। वे लोग क्या सोचेंगे, इसके कारण अपने मन की बात कहने से डरते हैं, और जब उन्हें बोलना होता है तब वे शांत रहते हैं। अपने आप को रोकना सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अपने एक्सप्रेशन का अवॉइड करना और जो आप वास्तव में वैसे ना रहना, इससे लोग आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। वे लोग जो वास्तव में जैसे हैं वैसे ही रहने का प्रयास नहीं करते, अपनी झूठी पर्सनालिटी को लोगों के सामने दिखाते हैं, उनसे लाख गुना ज़्यादा वे लोग अच्छे हैं जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार करते हैं और उन्हें लोग भी पसंद करते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, इससे डरे नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। बस अपने आप को हर समय बेहतर बनाने का प्रयास करें। स्टॉप फियरिंग कन्फ्रंटेशन। बहुत से लोगों से बातचीत करने से डरते हैं। वे लोगों को अलाउ करते हैं कि लोग उन्हें वर्बली डोमिनेट करें। मान लीजिए स्कूल में एक बदमाश बच्चा है और वह एक छोटे दुबले पतले बच्चे को डराता है। अब वो बच्चा अपने सास से उसका डरकर सामना करता है। क्या वो बदमाश बच्चा उसे डरा पाएगा? नहीं, वो उसकी जगह एक आसान से कार ढूंढेगा। वैसे ही आपको भी हर बात पर एग्री करना बंद करना होगा। आपको अपनी बात दृढ़ता से रखना सीखना होगा, जिससे आप पाएंगे कि अपनी बात दूसरों के सामने रखना इतना भी कठिन नहीं है। सेट योर नीड्स अप प्रायोरिटी। इस बात को समझने का प्रयास करें कि आपको ही अपनी नीड्स को पूरी करना है। आपको ही अपनी जीवन की सारी ज़रूरतें पूरी करनी है। आपको ये समझना होगा कि आपको उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा खुश रखना है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। अपने लिए थोड़ा समय निकालें और अपनी खुशी के लिए कुछ काम करें और एक आनंदमय जीवन बिताएं। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे हम एक नाइस गाइज की जगह एक इंटीग्रेटेड मैन बनकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने आप को और अच्छी स्थिति में पहुंचा सकते हैं, समाज में सम्मान को पा सकते हैं, तो साथ ही साथ अपनी नीड्स को भी पूरी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।